हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कैप आपको ये बना के दिखाएंगे। ये 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। बहुत ही आसान है बुनना इसको। देखिए कैसे बनेगा ये, आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कैप किस तरीके से बुनना है। ये हमें इस तरीके से जिगजैग तरीके से ये हमने ये कैप बनाना है। ऐसे करके ये ऐसे ये पूरा पूरा ये 3 बार बनाना है। इस पर देखिए ये कैसे बनेगा। यहाँ से हमने ये 35 फंदे डाले हुए हैं और आपको बुन के हम इसमें ये 30 फंदे का दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम ये बुनेंगे, ये 30 फंदे हैं इसमें। देखिए कैसे बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पहली सिलाई बुनेंगे। यहाँ पर ये इसको हमने ये सीधा बुनना है। ये 4 फंदे हमने सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3 और ये चौथा फंदा है। ये 4 फंदा हमने ये सीधा बुन लिया। उसके बाद धागा आगे करके पूरी सिलाई हमने उल्टी बुन लेनी है। ऐसे करके ये पूरा हम उल्टा बुन लेंगे। ये पूरा उल्टा बुन के आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई हमने ये पूरी बुन ली है। अब इसके बाद हमने यहाँ से भी ये उल्टा बुनना है। ये फंदा ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद पूरी सिलाई हमने ये उल्टी ही बुननी है। यहाँ पर ये देखिए ऐसे, ये कैप में हमारा 30 फंदे का है। ये 6 महीने से बच्चे को आराम से आ जाएगा। ये कैप बहुत ही आसान है बनाना। 30 फंदे बुनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये देखिए एंड तक हम ये आ रहे हैं बुन के। यहाँ पर हमने 4 फंदों को बॉर्डर बनेगा। ये देखिए यहाँ पर ये 4 फंदे हमारे बच गए। इसको हम धागा आगे करके यहाँ पर ये बॉर्डर ये सीधा बुनेंगे। इधर हमने उल्टा बुनना है, इधर यहाँ पर ये सीधा बुनना है। ये 2 फंदा, ये 3 और ये 4 फंदा ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 4 फंदे का ये बॉर्डर बनेगा यहाँ पर। अब बाकी ये सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए कैसे बनना है। इस फंदे को हम पहले फंदे को उतार लेंगे, धागा पीछे कर लेंगे और फिर से ये 4 फंदे यहाँ पर ये सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए 4 हमने ये सीधा बुन लिया। धागा आगे करके यहाँ हमने 1 फंदा बढ़ाना है। यहाँ नीचे से ये 1 फंदा हम ये बढ़ाएंगे। ऐसे करके ये एक हमने बढ़ा लिया यहाँ पर। अब फिर पूरी सिलाई हमने उल्टी बुन लेनी है। इसको पूरा हम उल्टा बुनेंगे सिलाई। एंड में हमने 1 फंदा घटाना है। हमने इस सिलाई में 1 फंदा घटाया बढ़ाया है, तो इसी सिलाई में हमने 1 फंदा घटा देना है एंड में। ये देखिए यहाँ पर अब ये 2-3 फंदे बचे हैं। अब ये 2 फंदे हम ये इसको घटा देंगे ऐसे करके और 1 फंदा बुन लेंगे। यहाँ पर 1 फंदा हर सिलाई में बढ़ाना है हर बार, और यहाँ 1 फंदा घटाना है। उसके बाद बैक साइड से हमने पूरी सिलाई हमने उल्टी ही बुन लेनी है। बैक साइड से हमने 1 घटाना बढ़ाना नहीं है, इसको पूरा हमने वैसे ही बुन लेना है। सिर्फ 4 फंदे के बॉर्डर जो हम बुन रहे हैं उसको सीधा बुन लेना है। देखिए ऐसे करके बुनते जाएंगे पूरी सिलाई। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस उल्टा उल्टा बुनना है।
ये देखिए ऐसे करके ये हम एंड तक आ गए हैं सिलाई के। अब ये देखिए फिर से ये चार फंदे बचे हैं, तो धागा आगे करना है और इन चारों फंदों को ऐसे करके ये सीधा बुन लेंगे। ये देखिए हमने ये सीधा बुन लिया, अब सामने से भी हमने इसको सीधा ही बुनना है। एक फंदा उतार लिया हमने और ये तीन फंदा हम ये देखिए सीधा बुन लिए। अब फिर से धागा आगे करके यहाँ एक फंदा ये बढ़ाएंगे, जो कि हमें हर सिलाई में बढ़ानी है। ये देखिए ऐसे करके अब बाकी सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये बुन के हम यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ हमने बढ़ाया है। अब यहाँ पर हम ये एक फंदा ये घटा देंगे। घटाना बढ़ाना हमें एक ही सिलाई में करना है, बाकी बैक साइड से हमने पूरा उल्टा बुनना है और इन चार फंदों को सीधा बुनेंगे जो बॉर्डर है हमारा। इसी तरीके से हमने ये बुन के आपको दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से बुनते हुए हम ये देखिए इतना ये बुन लिए हैं। ये कैसे ये तिरछा जा रहा है, जैसे इसमें आपको तिरछा है वैसे देखिए, ये देखिए ऐसे ये तिरछा ये गया हुआ है, कैसे ये बन रहा है। यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ से ये घटा हुआ है और इधर ये बढ़ा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए ऐसे यहाँ पे ये बुनना है, ऐसे हमने यहाँ तक ये बुन लिया है। अब यहाँ से हमने घटाना है और यहाँ पर बढ़ाना है, देखिए कैसे बनाना है। ये कैप जो है हमारा ये यहाँ से हमने ये 35 फंदे डाले थे, तो इसमें ये देखें यहाँ तक कितना बुना हुआ है। ये देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ तक ये 19 बार ये चेन हमें ये दिख रहा है। उसके बाद इधर हमने ये बढ़ाना है, तो ये भी 19 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये देखिए यहाँ पर ये 19 तक आ गया है। इसके बाद फिर से हमने ये घटाया है, ये 35 फंदे का है, तो 19 बार हमने ये चेन बनाया है इसके ऊपर। इसमें जो है ये 30 फंदे का है, तो इसमें हमने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें हमने 16 चेन बनाई हुई हैं। इसके बाद इधर भी हम 16 ही बनाएंगे, तो ये आप काउंट करके रख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ से कैसे बनेगा। इसको तो हमने हमेशा हमने सीधा ही बुनना है, ये चार फंदे का जो बॉर्डर है इसको सीधा बुनेंगे। ये ऐसे बुन लिए, अब धागा आगे करके अब यहाँ पर हमने ये एक फंदा ये घटा देना है। ये देखिए ऐसे घटाना है, पूरी सिलाई हमने ये उल्टी बुन लेनी है। ये देखिए कंप्लीट हो रहा है हमारा, ये 30 फंदों का है ये कैप। अब इसी सिलाई में हमने ये घटाया था, तो इसी में अब हमने यहाँ पर बढ़ाना है। ये देखिए एंड वाले के एक पहले फंदों में हमने ये यहाँ पर ये फंदा एक बढ़ा लेंगे और इसको ऐसे करके बुन लेंगे। बैक साइड से हमने पूरा उल्टा बुनना है, यहाँ पर ये चार फंदे जो हैं इसको सीधा बुनेंगे। हर बार हमने ऐसे ही बुनते जाना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये बुन के यहाँ तक आ गए हैं। ये देखिए हमारा घटा हुआ फंदा है, इसको भी उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करके ये चारों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। फिर सामने से फिर से हमने यहाँ पर ये फंदे सीधे बुनेंगे। चार फंदे जो है, एक फंदा उतार लिया हमने, बाकी एक दो तीन और ये चार फंदा ये हो गया। ये हमने चारों फंदा बुन लिया। अब यहाँ धागा आगे करके फिर से यहाँ से घटाएंगे और बाकी सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। और एंड में हमने यहाँ पे बढ़ा लेना है फंदा। तो ये देखिए ऐसे करके ऐसे ही बनता जाएगा, इधर बनेगा जैसे हमने ये बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ से ये घटा है, ये बढ़ा है इधर, और फिर यहाँ पे ये बढ़ना शुरू हुआ है। तो यहाँ ये घट गया है और फिर यहाँ पे ये बढ़ाएंगे ऐसे। इसी तरीके से हमने ये बनाना है। तो इसमें हम बनाना कैसे है, ये देखिए तीन बनाना है ऐसे, तीन ऐसे बनाना है, एक दो और ये तीन, ये बन गया। और ऐसा ये दो बन रहा है और ये हाफ हाफ ये बन रहा है। अभी देखिए इसको कंप्लीट कैसे करना है, हमने सिलना कैसे है। ये बिल्कुल एकदम नए तरीके का कैप है, ऐसा कैप आपने लोगों ने देखा नहीं होगा। अब इन दोनों को ऐसे करके यहाँ से ये देखिए इसको यहाँ पे ये सिल लेना है। इसको यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये बराबर करके सिलते हुए एंड तक आ गए हैं। इसको ऐसी तरीके से ऐसे सिल लीजिए। ये देखिए हमारा ये सिल गया है। ये पूरा यहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ हमने इसमें एंड किया था, इन दोनों को हमने ये सिल लिया। अब देखिए कैसे बनाना है। इसको धागा को हमने यहाँ पे कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये धागा कट कर लिया। इसके बाद हमारा जो ये बॉर्डर है, इस तरफ नहीं कुछ करना है, जिस इधर तरफ हमने ये इस पोर्शन को ऐसे करके सिलना है। ये देखिए ऐसे करके हमने ये इसको, ये जो हमारा है इसको ऐसे करके सिलेंगे। तो यहाँ से हमने फिर से सिलना है। इसको सिल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक फंदा हमने ये ऐसे करके सिलना है। ये देखिए यहाँ तक ये कंप्लीट करना है। उसके बाद इस वाले पार्ट को ऐसे करके इसको सिलेंगे। ये देखिए ऐसे करके हमने इसको सिलना है और फिर इसको सिलना है। तीनों को ऐसे करके हमने ये सिल लेना है। ये आपको सिल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक पार्ट यहाँ पर ये सिला है। अब ये ध्यान करना है इसको कि हमने ऐसे नहीं सिलना है, इसको इसमें सिलना है और इसको इसमें सिलना है। ऐसे करके सिलेंगे। ये देखिए ऐसे करके ये तीन बन रहा है, एक दो और ये तीन, ये ऐसे बनेगा। और इसको ऐसे करके सिलना है हमें। अब यहाँ वाला सुई हमने इधर लेके जाना है। इधर ये सिल लीजिए चाहे इधर सिल लीजिए, एक बार इसको सिलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक और ये दो सिल गया और ये अब तीसरा सिलना बचा हुआ है। ये देखिए इसको ऐसे करके यहाँ से ये इसको भी सिल लेना है। ये आपको सिल के दिखाते हैं। ऐसे करके हमें ये सिल लेना है।
एक एक फंदा लेके ऐसे अच्छे तरीके से इसको सिल लेंगे।